तो साहब आपके सामने ये टॉपिक है लीडर एंड लीडरशिप क्वालिटी। यहां जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करते हैं एज ए करियर, वो सब के सब लीडर बनना चाहते हैं, ऐसे ही है। लेकिन साहब लीडर बनने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। प्लीज सर, आपको फॉलो तभी करेगा जब आपके पास ऐसी खास बातें होंगी, आपके अंदर वो जज्बा और जुनून आपका देखेगा, आपके डे बाय डे का ग्रोथ दिखेगा, वो आपके साथ रहेगा, उसको ये लगेगा कि यार इसको ये रास्ता मालूम है, यहां तक पहुंचा है और ये मुझे भी बताएगा। Am I right? Yes or no? A normal person wants some special qualities to be a leader. एक आम आदमी को लीडर बनने के लिए कुछ खास प्रकार की क्वालिटीज हैं जो उसको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो सीखी ना जा सके, ऐसी कोई चीज नहीं है जो डेवलप ना करा जा सके। लेकिन समस्या क्या है, हिंदुस्तान के अंदर जब तक उसको पहला अटैक नहीं पड़ेगा तब तक वो पार्क में जाएगा नहीं। उसी दिन उसको रामदेव जी अच्छे लगते हैं जब पहला अटैक पड़ जाता है ना। अब वो क्या करता है, अब वो जाता है पार्क में, अब वहां जाके एकांत में बैठ जाता है, ये बंद ये खोल ऐसे ऐसे कर सारे काम करता है, उससे झटका लग चुका है। हम तब इस चीज को सीखने का प्रयास करें जब हमारी टीम खत्म हो जाए तो साहब बड़ा मुश्किल है। फिर जब टीम काम कर रही है वही वक्त है सीखने का और सिखाने का, बनने का और बनाने का। कुछ क्वालिटीज हैं और डेवलप करनी पड़ेंगे साहब, कर सकते हैं कि नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी। पहला लीडर का सबसे पहला आता है एल, लीड बाय एग्जांपल, जो मैं बता चुका हूं आपको, जिसने खुद ने वह काम किया है जिसके बारे में वह किसी को बता रहा है। फुटबॉल का मैच देखते हैं, फुटबॉल का मैच आप देखते हो उसके अंदर 2-0 का स्कोर है और सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट बचे हुए हैं गेम का और सबको लग रहा है कि अब ये हार जाएंगे, लेकिन सब लास्ट के कुछ मिनटों में गेम होता है, चांस मिलता है। कब, अगर वो 2-0 का गेम हो चुका है, जो जीरो वाले हैं बॉल उसके पास आई, चलिए अब क्या करना, मान ले अब तो हार ही गए, क्या करना अब, चल कोई बात नहीं, तू ही बना ले गोल, है कि नहीं, 2-3 बॉल मारते कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता है क्या साहब? फुटबॉल की टीम जब खेल रही होती है दोनों की टीमें, तो उस टाइम दो देश खेल रहे हैं, बेसिकली दो टीम नहीं खेल रही, दो देश खेल रहे हैं। और आप उस ग्राउंड में देखिए, उन लोगों की स्पिरिट देखिए उस गेम के प्रति, जो देश हार जाता है उस देश की जो ऑडियंस बैठी है उनकी आंखों में आंसू होता है कि हम कुछ हार गए आज, बर्बाद हो गए आज हम, है कि नहीं, ना किसी का पैसा गया ना रुपया गया, लेकिन होता क्या है, हार गए। तो कभी भी आप, और एक बात बता दूं, ये डीएनए जानते हैं, डीएनए क्या होता है, डीएनए जो हमारे पूर्वजों से वंशजों से जो आ रहा होता है उसे डीएनए कहते हैं, ठीक है ना, उनकी आदत, उनका रंग रूप, उनकी चाल ढाल, उनकी नॉलेज माइंड, ये डीएनए में होता है, नहीं होता है, आप की टीम का डीएनए आपसे स्टार्ट होता है। अगर आपका डीएनए यू है ना तो टीम का डीएनए भी यू, साइड टीम भी यू चलेगी, कहीं टक्कर ना खा जाऊं। अगर आपका डीएनए एक्साइटेड है तो टीम का डीएनए ऑटोमेटिकली एक्साइटेड होगा 100%। और आप अचीव कर रहे हो ना तो आपकी टीम में भी लोग अचीवर्स निकलेंगे। इस एज में आने के बाद जीवन में कोई अचीव करने की ख्वाहिशें खत्म हो चुकी होती हैं, वो ये सोच चुका है कि अब मेरा जीवन में जो मेरी किस्मत में लिखा था वो यही है कि सुबह 9 to 6 की मुझे जॉब करनी है, एक लंच का बॉक्स लेकर के जाना है सुबह और शाम को खाली करके लेके आ जाना है, वो यही सोचता है सिर्फ। हम उसको एक नया दिखा रहे हैं जीवन में, एक नई लॉ दिखा रहे हैं उसको कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। तो साहब आपने उसको एंकरेज करते रहना पड़ेगा, रेडी टू लर्न एंड टीच।
साहब जब भी आपको ये पता चल जाए ना कि आज ट्रेनिंग सेशन है, तो आपके कदम रुकने नहीं चाहिए, आप खुद पहुंचे हैं और ये बोले कि सर मेरा नाम लिखिए मुझे आना है, मेरा नाम लिखिए मुझे आना है, ये होना चाहिए सर। अगर आपने अपने आप को सोचा कि साहब मुझे सब पता है, बहुत टाइम हो गया, मैंने इतने एक साल से सारी प्रेजेंटेशन देख ली, सारी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, और उसके बावजूद भी आपका काम नहीं चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके कहीं ना कहीं नेचर में कोई ना कोई कमी जरूर है, अभी भी आपके कल्चर में कोई कमी जरूर है, जो कि आप सारी चीजों को पूर्ण रूप से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपको रोक रही है, आप खुद यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके अंदर कमी क्या है, और या जानबूझ के उसको इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर मत करिए साहब, अब इग्नोर करने का वक्त नहीं रहा। अगर आपको यह पता चल जाए कि आज की रात आखिरी रात है, वो वाला काम करना साहब डेली बेस पे, डेली सुबह उठो और ये सोचो आज का दिन आखिरी दिन है मेरी जिंदगी में, क्या करके जाओगे अपने बच्चों के लिए उस एक दिन में, ये बताओ। कम से कम अगर आपने अपनी टीम में दो लीडर बना के चले गए ना, अगर कुछ हो भी गया ना, वो काम करेंगे, उनको पैसा आएगा। एक लीडर को आपके पोटेंशियल को निकाल के बाहर लाना पड़ेगा, उसकी वर्थ उसकी कीमत बतानी पड़ेगी, वही लीडर है जो अपनी टीम में लोगों के अंदर वो क्वालिटीज को भांपना, उसको पहचानना, उसको समझना, उसको समझाना कि भाई तुम प्लान बहुत अच्छा देते हो, ये कौन समझेगा जो उसका लीडर है। तुम्हारा ड्रेसअप बहुत अच्छा है यार, तुम्हारी शर्ट और टाई की मैचिंग बहुत अच्छी है, ये भी एक क्वालिटी है। आप टाइम के बड़े पंचुअल है, ये क्वालिटी है, उसी की क्वालिटी को उसको बताना है इस चीज को, उसे लगे कि मेरे पास भी कुछ ऊपर ऊपर वाले के दिए गए कोई वरदान है, जो अच्छी चीज है, जो उनको अच्छा लग रहा है। आपको समय समय पर उसको ये चीजें याद दिलानी है, बतानी है, उसको लगे कि मैं भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, मेरे पास भी कुछ ऊपर वाले का दिया है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आपने कितना किया, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना कर सकते थे, ये बातें हम कर चुके हैं। बार बार ध्यान दीजिएगा, इस हफ्ते आपने किया और आपका पे आउट आया और आप उससे गुणगान गाते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। महत्वपूर्ण ये है कि आपने जितना किया आप उससे ज्यादा कर सकते थे, उस पर विचार करना जरूरी है कि आखिर इतने का क्यों रह गया, इससे ज्यादा का हो सकता था। आपके अंदर बर्निंग डिजायर की मैं बात करता हूं, ये उसके अंदर होता है जो एक्साइटेड होता है, जो एनर्जेटिक रहता है, उसके अंदर बर्निंग डिजायर रहता है साहब। ये बर्निंग डिजायर वाली क्वालिटी है बेसिकली, ये डेवलप करनी पड़ेगी आपको अपने अंदर। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, ये सच्चाई है साहब। आप देखना, आप कभी दिल से किसी को चाहना, कहीं ना कहीं प्रकृति आपको उससे मिलवाने की कोशिश करती ही है साहब, और कराती है साहब, ये नियम है, प्रकृति का नियम है साहब। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे आसान काम है नेटवर्क मार्केटिंग, रियली बता रहा हूं, बशर्ते इसको समझ जाए कोई, और ऐसा काम जिसकी कोई बाउंड्री नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं साहब, पंचुअल एंड प्रिपेयर्ड साहब। जब आप कहीं पर लेट पहुंचते हैं ना मीटिंग में टाइम दे करके, तो मीटिंग की शुरुआत होती है सॉरी से। कैसे होती है? सर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, ऐसे होता है साहब। जब वो खत्म होती है ना, तो भी सॉरी सी होती है, क्योंकि वो बोलता है सॉरी मैं आपके साथ जुड़ नहीं सकता। आप पहुंचते हैं, लेट पहुंचते हैं, पहुंचने पर आप पूरा प्लान भी देते हैं घंटे का, उसके बाद वो कह देता है सॉरी मैं आपके साथ जुड़ नहीं सकता, क्योंकि सॉरी की शुरुआत खत्म भी सॉरी पे ही होती है। 5 मिनट पहले पहुंचने की आदत डालें। ट्रैफिक का बहाना, दिल्ली में अगर आप हैं तो अगर आप ये बोलते हैं कि ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, तो उसको बहाना माना जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि ट्रैफिक तो हो गई, आपको जैसे तैसे वहां समय पर पहुंचना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे घूर रहे हैं क्योंकि मैं भी ट्रैफिक में फंसता हूं कई बार, लेकिन जो भी ये काम करते हैं ये गलत है साहब, पंचुअल तो होना पड़ेगा साहब, क्योंकि साहब देखिए मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता, बार बार ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, बार बार ऐसा माहौल नहीं मिलेगा, बार बार कंपनी नहीं मिलती, इस प्रकार से आगे बढ़ने के लिए कोई आपको जो प्रोत्साहित कर रहा है, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, ऐसे लीडर नहीं मिलेंगे, ये सब कुछ इस टाइम आपके फेवर में है।
और अब भी अगर हम ना कमा पाएं, ना आगे बढ़ पाएं, तो साहब फिर तो ऊपर वाले ही मालिक है। इस बिजनेस में सबसे पहले आपको एक प्योर कंप्लीट मैन बनने के लिए इस प्रकार से ड्रेसअप, आपका एक अच्छा मोबाइल फोन और आपके पास एक कार की चाबी और आपके पास आपके फाइल का बैग, आप अपने पैसे को इन्वेस्ट इन टूल्स एंड एजुकेशन में लगाएं। बिजनेस के टूल में पैसा लगाओ, कार बिजनेस का टूल है, अच्छा ड्रेस बिजनेस का टूल है साहब, हम पैसा बर्बाद नहीं कर रहे। अच्छे महंगे लेदर शूज पहनना ये बिजनेस का टूल है, अय्याशी नहीं है। क्योंकि साहब आप किसी के पास गोदाम लेकर नहीं जा रहे कंपनी का, खुद जा रहे हो, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसे, देखना चाहिए आप हो कंपनी के भाई सब कुछ। साहब इस बिजनेस को आप जब चाहें क्विट कर सकते हैं, उस दिन आप फेलियर कहलाए जाएंगे, जब तक क्विट नहीं करेंगे सक्सेस होने की गुंजाइश बनी रहेगी। आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन, मैं जब थक जाऊं तब नहीं रुकूंगा, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब रुकने का नाम नहीं है। नेवर क्विट आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। कोई बात नहीं सर, इस हफ्ते नहीं आया, अगले हफ्ते करके दिखाऊंगा, इसे कहते हैं नेवर क्विट एटीट्यूड, हार नहीं मानी। ये जल्दी से हार मान जाते हैं ना सर, यूं खड़े हो जाएंगे, सर बहुत मुश्किल है, ऐसी बर्बादी की हालत वाले लोग अगर टीम में हैं आउट। अपना ऑरा जो बनाना है ना, वह बनाना है ऐसे वाला, यस सर बताइए सर क्या करना है, उसके पास नो सर ना हो, सर जाओ फटाफट इनको प्रोडक्ट दिला के लेके आओ, यस सर। कितनी जोड़ेंगी सब आएंगी, सर मेरा मानना है कम से कम 10 जोड़ेंगी आएंगी, यस सर। नो नाम नहीं होना चाहिए।